आम आदमी को दुर्घटना के समय या महिला सुरक्षा को लेकर प्रशासन के नंबर मिलने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए आज सोनीपत के नेशनल हाईवे पर सुखदेव ढाबे से फ़ोन नंबर बोर्ड का उद्घाटन किया गया, जिस पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आदि के नंबर लिखे गए थे, जिसका उद्घाटन हरियाणा सरकार की स्पेशल पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन रॉकी मित्तल व स्थानीय राय से विधायक मोहन लाल बडोली ने किया। हरियाणा सरकार की स्पेशल पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन रॉकी मित्तल ने कहा कि आज मुरथल से इन बोर्डों की शुरुआत की गई है, परंतु आने वाले समय में पूरे देश में इस तरह के बोर्ड लगवाए जाएंगे, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। सोनीपत पुलिस के बारे में बार बार बदले जा रहे फ़ोन नंबरों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बात के बारे में गृह मंत्री अनिल विज से बात करेंगे और ऐसा प्रावधान निकालेंगे कि 5 वर्ष से पहले किसी भी अधिकारी का कोई नंबर न बदला जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह नंबर बदलने से आम जनता को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिला सुरक्षा और नशे पर बोलते हुए रॉकी मित्तल ने कहा कि आज ढाबा एसोसिएशन के पदाधिकारियों और ढाबा मालिकों ने उनकी बात हुई है और ढाबा एसोसिएशन ने वादा किया है कि यदि कोई भविष्य में कोई भी ढाबा मालिक नशा बेचता पाया जाता है तो उसे वह अपनी एसोसिएशन से बाहर निकाल देंगे और उसी अभी अपनी एसोसिएशन की मेंबरशिप नहीं दी जाए। मोहन बडोली जी पहले बता चुकी हैं, लेकिन इसको मोदी जी को कहकर पूरे देश में इसको लागू करवाएंगे। और जब भी जिन लोगों से मैंने चर्चा की है मुरथल के बारे में, तो बड़े उत्साहित थे लोग, क्योंकि आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, खासकर महिलाओं को, महिला सुरक्षा को लेकर और नशे को लेकर भी नंबर दिए हैं। और कुछ मेरे भाइयों को अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा कि कुछ होटल वाले या ढाबे वाले नशा बेचते हैं। मेरी आज सारे ढाबा के यूनियन वालों से बात हुई है, प्रधान जी से बात हुई है, जो ऐसे एक गलत काम करेगा आज के बाद उसको यूनियन में नहीं लिया जाएगा, उसको इनसे साइड किया जाएगा, उनसे ढाबे वालों का, मालिकों का कोई मतलब नहीं होगा। यदि वो कोई गलत काम करते हैं, एक दो होटल वाले या ढाबे वाले गलत काम करते हैं, उन पे हम पूरा शिकंजा कसेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता, उनके मान लो जो लाइसेंस वगैरह होगा वो भी हम निरस्त करेंगे। पर तो चेंज कर दिया, तो कल ही चेंज हुआ है, लेकिन ये 4-5 दिन पहले पुरानी बात थी, जब हमने बनने के लिए दिया था और बन के आ गया था। लेकिन आगे से इस बात की कोशिश करेंगे कि नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, इससे आम जनता को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मेन नंबर होते हैं पूरे हरियाणा के, वो कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं भी साहब की नॉलेज में ये चीज़ डाल दूंगा कि आने वाले टाइम के अंदर 5 साल से पहले कभी नंबर चेंज ना हो। जनता को बहुत ज़रूरी नंबर होते हैं, महिला हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस सहायता है, एम्बुलेंस सहायता है, क्रेन की सहायता है, डॉक्टर की सहायता है, मतलब जितने भी ज़रूरी नंबर एक टूरिस्ट को या आने वाले व्यक्ति को चाहिए, वो सारे नंबर एक बोर्ड पर लिखवा के आज सुखदेव ढाबे से इसकी शुरुआत की है। और इसी प्रकार के बोर्ड सभी ढाबों के ऊपर लगेंगे, पेट्रोल पंपों के ऊपर लगेंगे, सभी हॉस्पिटलों में लगेंगे, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई झगड़ा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो अनजान व्यक्ति को नंबर ढूंढने में काफ़ी तकलीफ होती है, उसका सामना ना करना पड़े और उसको नंबर एक ही स्थान पर सबके मिल जाए, इसलिए ये सोचकर ये मुहिम चलाई है। रॉकी मित्तल जी आज हमारे सोनीपत में आए इस मुहिम की शुरुआत करने के लिए, और यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत सोनीपत ज़िले से हुई है, इसका जनता में अच्छा मैसेज भी जाएगा उनके बारे में कि भाई यहाँ कोई ऐसा स्थान
अभी सरकार की ऐसी पॉलिसी है, हम यहाँ एक बड़ी झील विकसित करेंगे, जो 10 एकड़ से ज़्यादा तालाब हमारे हैं वहाँ इस प्रकार की झील हो, ये बनाने की हमारी योजना है। और हमने सोनीपत जिला के अंदर जो बड़े हैं तीन जगह चिन्हित किए, वो गुहाना विधानसभा में है तीनों जगह, और यहाँ मेरी राय विधानसभा में भी इस प्रकार के चार गांव हैं जहाँ 10 एकड़ से ज़्यादा बड़े जोड़ हैं, वहाँ झील विकसित करेंगे और अच्छे पार्क यहाँ बनाने का हम काम करेंगे ताकि लोग आए।